गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग एक एक करके सब चैप्टर्स देख रहे थे। एक बार हम अब तक क्या देखा ये देख लेते हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर, जिसमें हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे कैसे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में देखा, ऑफर कैसे कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है और कब कब तक इसको आप रिवोक कर सकते हैं, तो ये सब चीजें अपन ने डिटेल में देखे। थर्ड चैप्टर में हमने कंसिडरेशन के बारे में देखा, कंसिडरेशन का क्या मतलब है, कंसिडरेशन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और फिर कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन तो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड होता है। सो ये देखा हमने। फिर हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। प्रिविटी का मतलब है कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कर सकता है, पार्टी जो रहेगा वो क्लेम करेगा, जो पार्टी नहीं है वो क्लेम नहीं कर सकता, ये हमने देखा। फिर हमने इसके कुछ एक्सेप्शन भी देखे थे। देन इसके बाद वाले चैप्टर में हमने देखा एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते या नहीं कर सकते, तो हमने देखा नहीं कर सकते, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। उसके रेस्ट्रिक्शन के बारे में चर्चा किए और बाकी के भी जो पॉइंट्स थे रिलेटेड टू माइनर्स एग्रीमेंट वो एक एक करके हमने डिटेल में देखा। फिर अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति कौन होता है उसको जाना हमने, और फिर डिसक्वालिफाइड व्यक्ति में कौन कौन व्यक्ति कवर होते हैं और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते कब नहीं कर सकते, ये सब हमने एक एक करके देखा। और पिछले चैप्टर में हमने देखा फ्री कंसेंट क्या होता है, सबसे पहले तो कंसेंट क्या होता है, फिर कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है, अगर फ्री नहीं होगी तो क्या क्या होगा, और कौन कौन से केसेस होते हैं जब कंसेंट फ्री नहीं है ये माना जाता है, जैसे कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और एक टॉपिक और देखा, क्या साइलेंट रहना फ्रॉडलेंट है, तो ये भी एक टॉपिक अपन ने डिटेल में देखा। अब हम आगे के चैप्टर पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम देख रहे हैं जल्दी जल्दी, फास्ट ट्रैक बैच है, तो अपन जल्दी जल्दी देखेंगे, 100% पढ़ेंगे अपन, बट फिर भी मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, तो आपको साथ साथ चलना है, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन को इधर से उधर मत होने दो, ध्यान से सुनो। अगला जो टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड का मतलब है नॉट एनफोर्सिएबल, तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स है विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो सबसे पहले तो इनमें कवर होता है इलीगल एग्रीमेंट। एक इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा, अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट। सेक्शन 23 डिफाइन करता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स इलीगल या अनलॉफुल है। सो इसमें बताया गया है अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ यानी सीधा सीधा कानून उसको मना करता है, कानून बोलता है आप ये चीज नहीं कर सकते तो आप फिर वो चीज नहीं कर सकते। सो इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे कि स्मगलिंग करना ये इलीगल है, सीधा सीधा कानून उसकी आजादी नहीं देता, कानून बोलता है आप ये नहीं कर सकते तो आप वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वो ऐसा है जो कि वैसे तो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है पर अगर परमिट कर दिया जाए तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। जैसे कि किसी ने मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया, अब मेरे घर में पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैंने देखा कैमरा में कि किसने लेके गया और मैंने उसको पहचान लिया, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करता हूँ, उसको पता लगता है कि शर्मा जी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं, तो वो मुझे फोन करके बोलता है शर्मा जी आप केस वापस ले लो, आप कंप्लेंट वापस ले लो, मैं आपको आपके पैसे भी लौटाता हूँ, आपको मैं मोबाइल भी लौटाता हूँ और ऊपर से मैं आपको 5,000 रुपये पैसे भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर एग्री करता हूँ कि भाई ठीक है तू मेरे को मेरा मोबाइल भी दे और पैसा भी दे दे, मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, तो क्या ये वैलिड रहेगा? द आंसर इज नो। ये कहीं भी फॉरबिड नहीं किया है, ये कहीं भी इलीगल बोला नहीं गया है, बट फिर भी अगर ये परमिट किया जाए तो क्या होगा? इफ परमिटेड इट टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ये कोई ना कोई कानून के कोई ना कोई प्रावधान को डिफीट करेगा। जैसे कि कानून का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर मैं ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेता हूं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस से बच जाएगा, एक वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच जाएगा और फिर उसके हौसले बुलंद होंगे और कल चल के वो और बड़ी बड़ी चीजें भी करने लगेगा, और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स जो रहते हैं ये अनलॉफुल में कवर हो जाते हैं, भले ही दे आर नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ बट इफ परमिटेड दे वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। बिल्कुल एक सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ध्यान रखो, मैं वो एग्जाम्पल जरूर दूंगा जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। सो एक एग्जाम्पल ध्यान रखो, एक व्यक्ति है मैं हूं समझो, मैंने कुछ एक प्रॉपर्टी है मेरे पास जिसके मैंने टैक्सेस नहीं भरा, बहुत सारे उसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा हो गए बट मैंने नहीं भरा। अब मैंने नहीं भरा हो तो मेरे को पहले तो बहुत बार मौके दिए जाते हैं, मेरे को बहुत सारे नोटिसेस आते हैं कि शर्मा जी इस प्रॉपर्टी पे टैक्सेस भर दो,
अब अगर मैं नहीं भरता हूं तो फिर क्या किया जाएगा, तो मेरी प्रॉपर्टी आखिरी चारा रहता है नीलाम करने का, नीलाम कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। और इसमें कंडीशन ऐसी रहती है कि अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं खुद वो नहीं खरीद सकता बोली लगा के, सो ऑक्शन कर दी जाती है। बट ऑक्शन में मैं खुद वो प्रॉपर्टी फिर से नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि भाई मुझे पहले मौके दिए गए थे, अगर मुझे प्रॉपर्टी बचाना था तो मैंने तब बचा लेना चाहिए था, अगर मैंने नहीं बचाया तो अब मैं उसको नहीं बचा सकता। अब मैं खुद तो नहीं खरीद सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोल दिया कि वहां पे ऑक्शन हो रहा है, आप मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो, बाद में मैं आपसे खरीद लूंगा, जो भी पैसा लगेगा मैं आपको दे दूंगा और मैं आपसे वो प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। सो ऐसे केसेस में ये भी नहीं परमिट किया जाएगा, ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इफ परमिटेड इट वुड डिफॉल्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यहाँ पे कानून के हिसाब से मैं उसको नहीं खरीद सकता, बट फिर भी मैं घुमा फिरा के वो प्रॉपर्टी खरीद ले रहा हूं, ऐसे केस में अगेन इट इज अनलॉफुल। सो ये सेकेंड पॉइंट। तीसरा है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है जहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो रहा है। देखो पिछले चैप्टर में भी फ्रॉड आया था और हमने बोला था वहां पे वॉइडेबल है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्रॉड हो गया तो इलीगल है, यानी सीधा सीधा वॉइड है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो जो पिछले चैप्टर में फ्रॉड था वहां पे कंसेंट वॉज कॉज बाय फ्रॉड, तो मैं आपसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ, आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, यानी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो पिछले चैप्टर में आता है, उसकी कंसेंट फ्रॉड से ले रहे हैं। तो और ये चैप्टर में कौन सा फ्रॉड आएगा, जिसमें हम लोग मिलके फ्रॉड कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है किसी अन्य व्यक्ति का, यानी जैसे मैं और आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है, मैं और आप मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे कि किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि दाम दुप्पट योजना वगैरह टाइप की चीजें हो जाती है, तो ये सब चीजें फ्रॉडुलेंट में कवर होती है। आपको कई बार मैसेजेस आते हैं कि आपको लॉटरी लगी है केबीसी की तरफ से, ये सब फ्रॉड में कवर होते हैं। फिर फ्रॉड अगर है तो ऐसे केसेस में इट विल अगेन बी अनलॉफुल। फिर इट इन्वॉल्व्स इंजरी और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर ये किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाती है तो अगेन इट विल बी अगेंस्ट, इट विल बी अगेंस्ट लॉ, इट विल बी अनलॉफुल। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा चुप चुप के, तो चुप चुप के मूवी में क्या बताया था कि शाहिद कपूर होता है वो गूंगा बहरा होता है, वो उसके चाचा जी जो होते हैं वो पैसा नहीं चुका पाते हैं सेठ जी का, तो सेठ जी के यहाँ ये लोग गुलामी करते हैं, ये लोग बिना तनख्वाह के काम करते हैं। अब ये कैसा एग्रीमेंट हो गया, इट कॉजेस इंजरी टू दैट पर्सन, बेचारे ने पैसा नहीं चुकाया तो वो गुलामी कर रहा है, जब तक पैसा पूरा नहीं चुकाते ये हमारे यहाँ बंदी बने रहेंगे, ये हमारे यहाँ गुलामी करेंगे। ये एग्रीमेंट्स भी अनलॉफुल होते हैं बिकॉज इट इम्प्लाइज इंजरी टू दैट पर्सन, उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को ये इंजरी पहुंचा रहे हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि ये व्यक्ति को तो इंजरी नहीं पहुंचा रहे बट उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे, प्रॉपर्टी उसकी हड़प ली जा रही है। जैसे कि समझो किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लेके आया था और उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, अब वो 1 लाख रुपए नहीं देता है तो इसकी पूरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच देना दिस विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि 1 लाख 2 करोड़ का 0.5% है, यानी इतना कम अमाउंट के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच देना ये नहीं चलेगा। सो ऐसे केसेस में इट विल अगेन बी अनलॉफुल। तो अगर इट इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, तो ऐसे केसेस में अगेन इट विल बी अनलॉफुल और इलीगल। फिर इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर कोर्ट इसको इमोरल बोलती है, अनैतिक बोलती है, तो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दोनों ही लगभग सिमिलर चीजें हैं। तो इमोरल का मतलब होता है जो भले ही कानून में तो नहीं बताया लेकिन फिर भी वो गलत चीज है, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जैसे हुक्का पार्लर, तो ये इलीगल नहीं है बट ये इमोरल हो गया, ठीक है। सो इमोरल का मतलब होता है जो जनता के हित के खिलाफ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जो जनता के हित के खिलाफ है, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, जो सही नहीं है, भले उसके ऊपर कोई कानून हो या ना हो बट वो मॉरली करेक्ट नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि ये चेंज होती है डिफिनेशन, एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि एक चीज अच्छी हो, दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है वो चीज खराब हो, और इसीलिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये क्या है ये डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये कभी भरोसे के लायक नहीं है, इट इज ट्रेशरस ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये जनता के हित में है या खिलाफ है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी लागू किया गया है तो क्या वो जनता के हित में था या क्या वो जनता के खिलाफ था, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा एक्ट है, बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो गए,
कुछ लोग बोलेंगे अरे काहे के टैक्सेस खत्म हो गए, अभी भी तो एक टैक्स बोल के तीन तीन टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों की यहाँ पे धारणाएं हो सकती है, हर किसी की अलग अलग सोच हो सकती है, और इसीलिए ये जनता के हित में है या जनता के हित के खिलाफ है ये जानना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा क्या जेल जाना अच्छी बात है, तो आप सब बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा गांधी जी जेल गए थे, तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छे काम के लिए गए थे, हमको आजादी दिलाने के लिए गए थे। अब इसमें भी दूसरे लोग भी होंगे कुछ जो लोग बोलेंगे अरे नहीं गांधी जी काहे के आजादी दिलाने को गए थे, खुद बैठते थे जेल में और सब सहूलियतें मिलती थी उनको, मस्त घर जैसा वातावरण होता था, टेबल वेबल रहती थी, सोने को बहुत अच्छे बेड मिलते थे, तो ये जेल थोड़ी रह गया। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं भगत सिंह जेल गए थे वो अच्छे काम के लिए गए थे। तो हर किसी का व्यू अलग अलग हो सकता है कि ये पब्लिक के हित में था या नहीं था। उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं भगत सिंह तो हिंसा फैला रहे थे। सो बहुत प्रकार के लोग होते हैं और बहुत प्रकार की बातें होंगी, और इसीलिए क्या ये जनता के हित में है या नहीं है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया है, कोर्ट ने बोला है कि ये जो केसेस है 16 केसेस देखने वाले हम, ये जो 16 केसेस है जनरली हम इन 16 केसेस को ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे, इसके बाहर अगर कोई एग्रीमेंट आते हैं तो जनरली हम उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं मानेंगे, बट इन स्पेशल केसेस आप उनको भी मान सकते हो। फिर भी हमको सिर्फ ये 16 प्रकार के एग्रीमेंट्स पढ़ना है, इसमें से कुछ एग्रीमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी, अगर आप किसी एनिमी के साथ ट्रेड करते हैं सो दैट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि जब भी ट्रेड होता है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है टू बोथ द पार्टीज। अगर हम समझो चाइना वालों से गुड्स खरीदते हैं तो उनको पैसा मिलेगा और वो पैसा अपने ही खिलाफ फिर यूज करेंगे, अगर हम चाइना वालों को कुछ बेचते हैं तो उनको चीजें मिलेगी, अपने को पैसा मिलेगा बट उनको कुछ चीज मिलेगी, समझो अनाज बेच रहे हैं, अब अनाज खा के उन लोग भी तंदुरुस्त होंगे और अल्टीमेटली वो अपने अगेंस्ट ही जाने वाला है। सो इसीलिए ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप एक एनिमी के साथ ट्रेड करते हैं दैट विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, 300 मूवी में देखा गया है कि एक व्यक्ति रहता है वो जो दुश्मन है उससे ट्रेड कर लेता है, तानाजी में देखा होगा आपने कि दुश्मनों के साथ ट्रेड कर लिया, अल्टीमेटली इससे क्या होता है, इससे नुकसान होता है पूरी जनता का, और इसीलिए ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये जनता के हित के खिलाफ है। फिर एग्रीमेंट्स फॉर स्टिफलिंग और सप्रेसिंग प्रोसिक्यूशन, सेम एग्जाम्पल जो मोबाइल चोरी करने वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जब एक व्यक्ति ने मोबाइल चोरी करके ले गया मैं उसको बोलता हूँ तो मोबाइल भी दे और पैसा भी दे मेरे को, मैं तेरे ऊपर से कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, नाउ दिस विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि कल चल के उसको सजा नहीं होगी और उसके हौसले और बुलंद होंगे और कल चल के वो और बड़े बड़े काम करेगा, हो सकता है वो कल एक बैंक लूट ले, हो सकता है कहीं सोने की चोरी कर ले, सो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वो बड़े बड़े काम कर सकता है। और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स भी जिसमें आप किसी को सजा होने से बचाते हैं, जिसमें आप किसी की सजा को कम करते हैं, छुपाते हैं, स्टिफल करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो ऐसे केसेस में दीज एग्रीमेंट्स अगेन विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट्स फॉर शैम्फर्टी एंड मेंटेनेंस, ध्यान से सुनो, शैम्फर्टी और मेंटेनेंस बोथ आर ब्रिटिश टर्म्स, ये ब्रिटिश इंग्लिश लॉ में यूज किए गए। शैम्फर्टी का मतलब होता है जब पैसा दिया जा रहा है, दोनों का ही मतलब होता है, जब पैसा दिया जा रहा है दूसरे व्यक्ति को या किसी और प्रकार से सहायता की जा रही है टू फाइल अ सूट, केस फाइल करने को पैसा देना खासतौर पे, ठीक है। सो केस फाइल करने को जब मदद की जा रही है, पैसा दिया जा रहा है कि जाओ तुम केस फाइल करो, मैं तुम्हारे को जो भी पैसा लगेगा वो दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज शैम्फर्टी और मेंटेनेंस, यानी टू फाइनेंस अ लिटिगेशन, जहां पे मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस पैसा दे रहा हूँ, मेरा कोई उसमें अधिकार नहीं है बट फिर भी मैं पैसा दे रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। ये दो प्रकार के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एक जिसमें मैंने समझो 1 लाख रुपए दिया और मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए तुम मुझे वापस कर देना विद 5% इंटरेस्ट, तो ऐसे केसेस में ये जो रहेगा ये एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस है, जितना दिया था उतना वापस ले रहे हैं विद नॉर्मल इंटरेस्ट। और वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 1 लाख दे रहा हूँ तुमको, 1 लाख तो वापस करना ही, पर तुम जब वो केस जीत जाओगे तो जीत के जो पैसा मिलेगा तुमको उसमें भी मेरे को 20% शेयरिंग देना, अब दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट ऑफ शैम्फर्टी। सो शैम्फर्टी और मेंटेनेंस में फर्क यह है कि शैम्फर्टी में फ्रूट्स ऑफ द लिटिगेशन भी शेयर किए जा रहे हैं, मेंटेनेंस में फ्रूट्स ऑफ द लिटिगेशन शेयर नहीं किए जाते। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोथ द एग्रीमेंट्स आर परफेक्टली वैलिड इन इंडिया, भारत में दोनों ही प्रकार के एग्रीमेंट्स पूरी तरह से वैलिड होते हैं, वेदर इट इज शैम्फर्टी और इट इज मेंटेनेंस। बट अगर इसका इंटेंशन गलत हो जाता है, अगर हम जबरदस्ती भड़का रहे हैं, जबरदस्ती किसी को उकसा रहे हैं, या फिर हमारा मैलिशियस मोटिव है, गैम्बलिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केसेस में द एग्रीमेंट विल बी वॉइड।
लेकिन अगर इसमें सिर्फ हेल्प करने का हमारा इंटेंशन है, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको हम सहायता करना चाह रहे हैं पैसे से या किसी अन्य प्रकार से, तो ऐसे केसेस में दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। सो इंटेंशन पे बात आती है यहाँ पे। इफ द इंटेंशन इज बोनाफाइड देन इट विल बी परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इफ द इंटेंशन इज मैलाफाइड देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। देन एग्रीमेंट्स इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, आप न्यायपालिका के बीच में आ रहे हैं, किसी को न्याय पाने से रोक रहे हैं, आप कोई व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और आप पैसा देके जज को बचा ले रहे हैं उस व्यक्ति को, आप बोल रहे हैं कि जज साहब हम आपको इतना पैसा देते हैं आप हमारे फेवर में डिसीजन दो, ऐसे से होगा क्या? न्याय प्रॉपर होगा नहीं, लोगों का फिर जस्टिस से लॉ से फिर भरोसा ही उठ जाएगा। और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स भी जो रहेंगे जिसमें आप ब्राइब दे रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से प्रमोशन देने की बात कर रहे हैं कि जज साहब मेरे फेवर में डिसीजन दो आपका मैं प्रमोशन करा दूंगा, सो ऐसे केसेस में दीज एग्रीमेंट्स विल अगेन बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। फिर एग्रीमेंट्स फॉर मैरिज ब्रोकरेज, मैरिज ब्रोकरेज का मतलब होता है जहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई शादी करा दो और पैसे दे दिए जाएंगे, कि समझो एक लड़के की शादी नहीं हो रही और हम बोल रहे हैं इसकी शादी करा दो, आप जब भी शादी हो जाएगी हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ पे जबरदस्ती शादी करवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो उसमें, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, अब शादी कराने के चक्कर में जो व्यक्ति शादी करवा रहा है वो बताया गया नहीं कि कोई डिफेक्टिव पीस है या कोई डिफेक्टिव व्यक्ति है वो, तो ऐसे केसेस में दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और इसीलिए ये जो रहते हैं मैरिज ब्रोकरेजेस, दीज विल बी वॉइड एब इनिशियो। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स पूरी तरह से वैलिड होती है, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट्स ब्रोकरेज का काम नहीं करती है, वो ऐसा नहीं बोलती कि शादी करोगे तब हम पैसा लेंगे, वो तो आपको सिर्फ प्रोफाइल बनाने का पैसा ले रही है, बाद में आपको जो करना है करो, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। सो दीज आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्रोकरेज, बट मैरिज ब्रोकरेज आ गया अगर तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। फिर एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जहां पे हम किसी को उसके ऑब्लिगेशन से हट के काम करने को प्रेरित कर रहे हैं। जैसे मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैंने प्रॉपरली काम करना चाहिए और मैंने जो भी सही चीज है उस हिसाब से काम करके मैंने पैसा क्लेम करना चाहिए। अब मेरा एक फ्रेंड है विजू, विजू बोलता है शर्मा जी ये मेरे कंपनी की बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दो। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है मैंने पूरा चेक करना चाहिए कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसमें जो प्रॉफिट दिख रहा है क्या वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, मेरा काम है कि मेरे को पूरा चेक करना चाहिए, बट मेरे को विजू बोलता है कि शर्मा जी मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, आप कुछ चेक मत करो, सीधा सीधा साइन कर दो कि सब चीज सही है। अब यहाँ पे मुझे पैसा देके प्रेरित किया जा रहा है कि मैं अपने ऑब्लिगेशन से हट के काम करूं, तो मेरी ऑब्लिगेशन जो है, जिम्मेदारी जो है, मैं उसको पूरा ना करूं, तो ऐसे केस में अगेन इट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी जनता के हित के खिलाफ होगी। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी जिसमें हम किसी को अपने जिम्मेदारी से हट के काम करने को प्रेरित करते हैं किसी भी प्रकार से, पैसा देके, प्रमोशन देके या किसी भी प्रकार से, तो ऐसे केसेस में इट विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि जनरल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बेच रहे हैं, टाइटल्स, टाइटल यानी अपना जैसे सीए की डिग्री हो गई ये बेच रहा हूँ मैं, या अपॉइंटमेंट्स, कोई अपॉइंटमेंट खरीद रहा बेच रहा हूँ, जैसे कि मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट खरीद रहा हूँ, सो ऐसे केसेस में ये चीजें जो रहेगी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी रहेगी। ठीक है, फिर एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोप्लीज, मोनोप्ली का मतलब होता है जहां पे सिंगल व्यक्ति सेलर है, अगर सिंगल सेलर होता है तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स होता है, तो जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके साथ फिर गलत हो सकता है, क्योंकि पहले समझो 4 लोग एक चीज बेचते थे, एक शहर है वहां पे 4 लोग एक पर्टिकुलर चीज बेचते थे, समझो मोबाइल फोन, अब वो चारों ने मिलके एक ही जगह दुकान लगा लिए और वो लोग अब जो चाहे वो रेट पे बेचते हैं, मनमाने दामों पे ये सेल करना चालू कर देते हैं, सो ऐसे केसेस में ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, क्योंकि मोनोपली क्रिएट हो गई। अगर मोनोपली है तो दैट इज बैड फॉर द सोसाइटी, सो देयर शुड बी कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज बेटर। अगर आप मोनोपली क्रिएट करना चाहते हैं तो दैट विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस दे विल बी दीज एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड। एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड, बिड यानी बोली लगाना, सो एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड का मतलब है बोली नहीं लगाने का एग्री करना। आप लोग एग्री करते हैं, समझो मैं बेच रहा हूँ ये पर्टिकुलर पेन, ये पेन बेचने के लिए मैंने ऑक्शन रखा था, नीलामी रखा था, अब आप लोग आते हैं और आप लोग डिसाइड करते हैं सब लोग आपस में कि कोई भी बोली नहीं लगाएगा, सिर्फ एक जन बोली लगाएगा और एक जन बोली लगा के ये प्रोडक्ट खरीद लेगा,
समझो इसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, आप लोग एग्री करते हैं अपन इसको 2,000 रुपये में खरीद लेंगे और फिर बाहर जाके इसको बेचेंगे 10,000 में, 8,000 का जो प्रॉफिट है उससे अपन मस्त पार्टी करेंगे। तो ऐसे केसेस में ये क्या हो गया, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो गया, क्योंकि जितनी बोली आएगी उतना अच्छा मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति एग्री करता है हम बोली नहीं लगाएंगे, तो ऐसे केसेस में दैट विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर एग्रीमेंट्स रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी, किसी को बंदी बना लेना, किसी को किडनैप कर लेना, या किसी भी प्रकार से उसको घर के बाहर नहीं निकलने देना। हर एक व्यक्ति को एक पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, वो जहां चाहे जब चाहे जैसा चाहे जा आ सकता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस यानी जैसे वही लॉकडाउन है, आपको नहीं निकलने बोला है तो नहीं निकलोगे, बट बाकी केसेस में आपको ऐसा रोका नहीं जा सकता। आप अपने इच्छा के मालिक है, आप जहां जाना चाहें जैसे जाना चाहें वहां जा सकते हैं। अगर आपका ये राइट छीना जा रहा है किसी भी प्रकार से, तो दैट विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, किसी पेरेंट्स के राइट्स छीन लेना, उसके बच्चे को उससे दूर कर लेना, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी रहेगा एंड हेंस इट विल अगेन बी वॉइड। एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द मैरिशल ड्यूटीज, जब शादी की जाती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने वाइफ को खर्चा वगैरह देना चाहिए, घर चलाने के लिए जो भी पैसा लगता है वो देना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, तो ये सब मेरी जिम्मेदारियां होती है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है कि मैं अपने वाइफ को पैसा नहीं दूंगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में नहीं रहूंगा और किसी और के साथ रहने चला जाता है, तो इट विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो वो अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी किसी व्यक्ति से, दूसरी किसी कन्या से, वो किसी लड़की से एग्री करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा, वाइफ के पास नहीं जाऊंगा, सो दिस विल अगेन बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फिर एग्रीमेंट्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट्स टू एक्ट अपोज टू देयर ड्यूटीज। आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दे रहे हैं, तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर आप ब्राइब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा काम निपटा दो, तो दिस विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे एग्रीमेंट से क्या होगा, आप पैसा खिला के काम करा लोगे और जो डिजर्विंग था वो बेचारे का काम ही नहीं निकलेगा। जैसे समझो एक जॉब निकली है गवर्नमेंट में, अब वो जॉब मैं पैसा दे के खरीद लेता हूँ, तो मैं डिजर्विंग ना होते हुए भी वो खरीद लूंगा, जॉब का पोस्ट खरीद लूंगा, बट अल्टीमेटली जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको बेचारों को जॉब नहीं मिलेगी। सो दिस विल अगेन बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग एक एक करके आगे देखेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ये ऑलरेडी हमने आधे एग्रीमेंट्स देख चुके हैं, बचे हुए जो एग्रीमेंट्स है वो अभी हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट विद अ माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी एक इनकेपेबल पर्सन के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। ऑलरेडी ये वाला पॉइंट हमने देख चुका है। एग्रीमेंट्स मेड अंडर अ बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट, पिछले चैप्टर में हमने देखा था बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लासा का एग्जाम्पल, लासा की डेथ हो जाती है, अगर हम लोग को नहीं पता था, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, मिस्टेक इज रिलेटेड टू फैक्ट एंड फैक्ट इज सो असेंशियल टू द एग्रीमेंट दैट इट गोज डायरेक्टली इन टू द रूट ऑफ द एग्रीमेंट, देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट्स का एक हिस्सा है। जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, जस्ट अभी हमने देखा अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, सो वो भी वॉइड रहेंगे। जिसका ऑब्जेक्ट पार्ट में अनलॉफुल है और पार्ट में लॉफुल है, बट द लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट। जैसे कि समझो मैं आपको, आप मेरे यहाँ आते हैं जॉब करने, मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आप मेरे साथ शक्कर की ट्रेडिंग करेंगे, नमक की ट्रेडिंग करेंगे, तो मैं आपको 20,000 रुपये का तनख्वाह दूंगा। फिर मैं आपको दूसरा ऑफर देता हूँ कि अगर आप साथ साथ में कोकेन की ट्रेडिंग भी करेंगे तो मैं आपको 80,000 और दूंगा। सो यहाँ पे दो पार्ट है, एक लीगल है दूसरा इलीगल है, और दोनों को अलग किया जा सकता है। सो लीगल पार्ट विल बी परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल पार्ट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। समझो अगर ये अलग नहीं किया जा सकता था तो क्या होता, जैसे आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको जॉब देता हूँ, 1 लाख रुपए की तनख्वाह दी जाएगी, नमक और शक्कर की ट्रेडिंग है, बीच बीच में कोकेन के पैकेट लगा के बेच देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, हियर ऑल्सो देयर इज अ लीगल पार्ट एंड एन इलीगल पार्ट, बट बोथ द पार्ट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके सामने रखा था। सो ऐसे केसेस में द होल एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एंड हेंस वॉइड। तो जब इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो आप पूरे के पूरे एग्रीमेंट को फिर इलीगल मान लेंगे। फिर एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगेन ये भी वॉइड होता है, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुका है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अभी देखेंगे, ट्रेड अभी देखेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स अभी देखेंगे, अनसर्टन मीनिंग ऑलरेडी देखे हैं फिर से देखेंगे, वेजरिंग अभी देखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इम्पॉसिबल एक्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल एक्ट्स ये सब अगले चैप्टर में आएंगे, अगले और उसके बाद वाले चैप्टर में।
तो सीरियल नंबर 1 to 5 देख चुके हैं, उसके बाद की चीजें अपन अभी देखते हैं। अगला पॉइंट है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को आप शादी करने से रोक रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अधिकार है वो जैसा चाहे जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शादी करने से रोकते हैं तो दिस विल अगेन बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इट विल बी वॉइड। यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि आप शादी करने से रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसा वादा कर दोगे, भले आप खुद वादा करते हो, आपने उससे वादा कर दिया कि बेबी मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा और किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा जैसे ही बोला, सो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है, इनिशियो हो गया। ठीक है, अगर आप शादी नहीं करने का वादा करते हैं तो वॉइड हो जाएगा। पर ये ध्यान रखो, अगर आपने शादी करने का वादा किया तो आप फंस जाओगे। आपने बोला कि बेबी मैं तुमसे शादी करूंगा और आपने इसके आगे कुछ नहीं बोला, कोई रिस्ट्रेंट नहीं, कुछ नहीं, सो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट वैलिड है। यहाँ पे आप अब बच नहीं सकते, आप फंस चुके हो। आपने अगर शादी करने का वादा किया तो फिर आप नहीं मुकर सकते, ये पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर शादी नहीं करने का वादा किया सो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। भले थोड़ा भी पार्ट रिस्ट्रिक्ट करता है ना तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। थोड़ा सा पार्ट भी अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो पूरा एग्रीमेंट खत्म हो गया। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉमिस टू मैरी है, तो ऐसे केस में दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। इफ प्रॉमिस नॉट टू मैरी है तो दैट विल बी परफेक्टली वॉइड, पूरा का पूरा वॉइड। ठीक है, फिर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उसको जो भी ट्रेड आता है, जो भी ऑक्यूपेशन आता है, जो भी स्किल्स है उसके पास, जो भी टैलेंट है, वो उसकी प्रदर्शनी करके, वो उसको प्रदर्शन करके पैसे कमा सकता है, जीविका कमा सकता है। तो एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लाइवलीहुड। जो भी उसको ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जो भी आता है वो उसको करके पैसा कमा सकता है, और आप उसको उसके इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकते, आप उसको इस अधिकार से दूर नहीं कर सकते। सो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को एक लॉफुल ट्रेड या प्रोफेशन या बिजनेस करने से रोकते हैं, दैट विल बी एक्सटेंड टू दैट विल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंड। ठीक है, तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, लेकिन सिर्फ उतना पार्ट वॉइड होता है जितना पार्ट रिस्ट्रिक्टिव है। सो आप किसी व्यक्ति को एक लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो आपने देखा है कि ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पे रोका जा रहा है, तो ये कैसे होते हैं, कैसे रोका जा सकता है, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है। मीन्स कुछ केसेस में अगर एक व्यक्ति बिजनेस करने जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस या ट्रेड करने से रोक सकते हैं। कैसे कैसे ऐसे केसेस होते हैं, तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के एक्सेप्शंस पढ़ना है। पहला है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का मतलब होता है जो कानून में दिया गया है। सो स्टैट्यूट का मतलब है कानून, कोई ना कोई कानून में लिखा है कि यहाँ पे आप रोक सकते हैं, तो उन केसेस में आप रोक सकोगे। फिर वैसे कभी कानून में तो नहीं दिया है, पर कुछ केसेस हुए, जुडिशियल डिसीजन, केस लॉस, जिसमें बताया गया इन केसेस में आप रोक सकते हो, देन उन केसेस में भी आप रोक सकोगे किसी भी व्यक्ति को एक लॉफुल ट्रेड या प्रोफेशन या बिजनेस करने से। ठीक है, तो जनरल रूल है आप रोक नहीं सकते, पर कुछ केसेस में रोक सकते हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस है एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, जिसमें सेल ऑफ गुडविल इज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गुडविल क्या होती है। गुडविल आपके वैल्यू होती है, कीमत होती है ऑफ द नेम, नाम की कीमत, नाम का जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन उसकी जो मेन रेपुटेशन की जो कीमत है उसको हम गुडविल बोलते हैं। यानी सीधा सीधा आप नेम बोल सकते हैं, रेपुटेशन बोल सकते हैं, जो भी आपके पास लोग खींचे चले आते हैं सिर्फ नाम देखते हुए। जैसे आईफोन हो गया, आप क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसका नाम है। हल्दीराम की मिठाइयाँ हो गई, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसका नाम है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं क्योंकि उसका नाम है, इसीलिए आप वहीं पे जाओगे। बाजू में सेम दुकान होगी बट आप वहां पे नहीं जाओगे, मिठाइयों की दुकान बाजू में भी होगी लेकिन आप हल्दीराम में जाके ही मिठाइयाँ खाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे नाम की कीमत होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले गुडविल समझाता हूं मैं। समझो मैं एक पर्टिकुलर शॉप खरीद रहा हूँ, एक कोई व्यक्ति है जो कि शॉप चलाता है ऑफ स्वीट्स, समझो हल्दीराम, समझो हल्दीराम वाला जो है ये प्रोप्राइटर है। वैसे एक्चुअली इट इज अ कंपनी बट अभी ध्यान रखो, समझ लो कि अकेला व्यक्ति है, उसका हल्दीराम एक दुकान है और वो दुकान चलाता है। अब उसके असेट्स कितने हैं, तो समझो उसके असेट्स है 1000 करोड़ के, लाइबिलिटीज है समझो 400 करोड़ की, और 600 करोड़ का उसका कैपिटल प्लस रिजर्व है। अब मैं अगर ये बिजनेस खरीदना चाहता हूं तो मेरे को कितना पैसा देना चाहिए, तो अल्टीमेटली मैंने देना चाहिए यहाँ पे जितने के एसेट लिया, यानी 1000
माइनस जितने की लाइबिलिटी आई 400, यानी इफेक्टिवली देखे तो मेरे पास 600 रुपए की चीज मैं खरीद रहा हूँ, 600 करोड़ की मैं चीज खरीद रहा हूँ, क्योंकि 1000 के एसेट्स बट साथ में 400 की लाइबिलिटी भी तो आई है, तो अल्टीमेटली मेरे को बेनिफिट कितना मिल रहा है, 600 करोड़ का। अब मैं यहां पे 600 करोड़ के बदले 700 करोड़ देने को तैयार हूं, तो मैंने एक्चुअली 600 करोड़ की चीज खरीदा, लेकिन मैं पैसा देने को तैयार हूं 700 करोड़, तो मैं 100 करोड़ जो एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं। ये 100 करोड़ क्या है? यही तो गुडविल है। मैं क्यों दूंगा एक्स्ट्रा? क्योंकि भाई नाम की कोई कीमत होगी, मेरे को इस नाम से फायदा मिलने वाला होगा कि हल्दीराम का नाम मैं यूज करूंगा तो मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, और तभी मैं एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होऊंगा। सो मैं एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस नाम के वैल्यू मिलने वाली है। यानी मैं बिजनेस कैसा भी करूं, भले मैं अच्छे से नहीं भी करता हूं, तो कुछ टाइम तक तो लोग ऐसे ही हमारे बिजनेस में चले आएंगे, मेरी दुकान में चले आएंगे। तो अगर मैं मिठाइयां अच्छी नहीं भी बनाता हूं, तो समझो 5 साल तक तो हमको ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारा नाम इतना ज्यादा है। तो इसकी एक उम्र होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 5 ईयर्स, ये एग्जाम्पल है। हो सकता है 10 साल हो सकता है 15 साल हो, कितने भी साल हो सकती है, बट अल्टीमेटली इसकी एक लिमिटेड ये होगी, उम्र होगी, जैसे कि 5 साल तक के मुझे इस नाम से ही बेनिफिट मिलेगा। अब इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है? लोकल लिमिट्स पे, जहां पे भी समझो हल्दीराम की दुकान है सिर्फ नागपुर या विदर्भ रीजन में, तो सिर्फ नागपुर या विदर्भ रीजन में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, बाहर के रीजन से मेरे को कोई लेना देना नहीं, एक लोकल लिमिट्स में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल का समझो इसका मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, ये हमने डिसाइड कर लिया, और ये लोकल लिमिट्स तक के मिलने वाला है। अब यहां पे मैं अगर हल्दीराम खरीद रहा हूं, समझो मैंने हल्दीराम को खरीद लिया, मैं बायर हो गया, बायर ऑफ दिस बिजनेस, और हल्दीराम वाला सेलर हो गया। अब यहां पे मैंने जब ये बिजनेस खरीदा और मैंने बिजनेस में नाम खरीदने का पैसा दिया हूं, गुडविल दिया हूं, गुडविल का पैसा दिया हूं, तो ऐसे केसेस में मैं रोक सकता हूं सेलर ऑफ द गुडविल को कि भाई तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैंने नाम खरीद लिया, उसने मेरे को बेच दिया दुकान, अब बाजू में फिर से वो अगर दुकान चालू कर देगा तो मेरे तो कस्टमर अपने आप उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, इसीलिए मेरे को अधिकार है कि मैं उसको रोक सकता हूँ। ठीक है, इन सच केसेस आई कैन रिस्ट्रेन द सेलर टू स्टार्ट द सेम बिजनेस, सिमिलर बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो भी फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर वो जूते चप्पल बेचता है, वो कपड़े बेचता है, वो पेपर्स बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ऐसे केसेस में मैं नहीं रोक सकता। सो मैं कब रोक सकता हूं? जब आगे वाला सिमिलर बिजनेस करना चाहेगा। ठीक है, मैं कब रोक सकता हूं? जब तक कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, समझो मैंने कल चल के ये बंद कर दिया तो फिर मैं नहीं रोक सकता, मैंने अपनी दुकान बंद कर दिया, भले 5 साल के लिए लिया था बट अल्टीमेटली मैंने 1 साल में बंद कर दिया, तो ऐसे केसेस में अब मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सिमिलर बिजनेस जब तक के मैं या मेरा कोई सक्सेसर बिजनेस चला रहा है, और एक स्पेसिफाइड टाइम तक के होगी लिमिट, टाइम तक के ही रोक सकते हो आप, और एक लोकल प्लेस तक के ही रोक सकते हो। अगर वो कल जाके कनाडा में भुजिया सेव बेचना चाहता है तो मैं उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अल्टीमेटली ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होते हैं गुडविल के। तो मैंने गुडविल आपको इतना डीप में इसीलिए समझाया क्योंकि अगर आपको रीजन पता रहे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है। मैं चाहता तो आपको बोल सकता था ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट रट लो, बट 4 पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो सेल ऑफ गुडविल में आप रोक सकते हैं, कब कब रोक सकते हैं? सिमिलर बिजनेस करने जाएंगे तो रोक सकते हैं। ध्यान रखो, रोकना चाहो तो रोक सकते हो, नहीं चाहो तो चलने भी दिया जा सकता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोक लूं आगे वाले को तो आप रोक सकते हैं एग्रीमेंट करके, अगर आप नहीं करोगे एग्रीमेंट तो आगे वाला भी वो चीज कर सकता है। सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, जब तक के बायर या उसका सक्सेसर बिजनेस कर रहा है तब तक, एंड जब तक के ये रीजनेबल लगता है ऑन इन प्लेस ऑफ इन टाइम इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी वक्त और समय के हिसाब से इट शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि आप कभी भी ये बिजनेस नहीं करोगे। सो मैं रोक सकता हूँ बट ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ओनली फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। फिर पार्टनर्स एग्रीमेंट्स दूसरा एक्सेप्शन है जहां पे हम रोक सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो इसके पहले वाला एक्सेप्शन ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गिवन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ केसेस में रोका जा सकता है ये बताया गया है,
कौन कौन से ऐसे केसेस हैं एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला केस है पार्टनर्स कॉम्पिटिंग बिजनेस। जैसे समझो हम तीन जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं, कैटरीना, दीपिका और मैं, तो हम तीन जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सेम बिजनेस मैं अपनी दुकान चालू कर देता हूं अपने घर के पास। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जो लोग यहां पे जाते थे पहले, यहां जाके गुड्स खरीद के लाते थे, अब मैंने अपने एरिया में दुकान चालू कर लिया हूं, सो अब लोग उतने दूर नहीं जाते हैं, लोग मेरे पास से गुड्स खरीद लेते हैं। तो पहले यहीं से खरीदता था हर कोई गुड्स, अब लोग वहां तक जाने के बदले मेरे से गुड्स खरीद लेते हैं। अब यहाँ फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट मिलता तो यहाँ पे ये तीन जनों में डिवाइड हुआ होता, तीनों को इक्वल शेयर मिला होता, बट यहाँ का जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 100% मेरा है। सो इससे नुकसान किसको होगा, बाकी के पार्टनर्स को, और फायदा किसको होगा, मेरे को। और इसीलिए यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स बोल सकते हैं, शर्मा जी आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप खुद की दुकान नहीं चलाओगे सेम चीज की, तो मेरे को रोका जा सकता है कि आप शर्मा जी ये काम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे रोका जा सकता है। फिर से ध्यान रखो मैं वर्ड्स जो यूज कर रहा हूँ, रोका जा सकता है, आप चाहो तो रोका जा सकता है, आप नहीं चाहोगे तो कोई जरूरत नहीं, तो आगे वाला फिर वो बिजनेस कर सकेगा। दूसरा पॉइंट है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। सिमिलर चीज है, जैसे कंटिन्यूइंग बिजनेस में रोका जा सकता है, उसी प्रकार से आउटगोइंग पार्टनर को भी रोका जा सकता है। समझो हम तीन जन की बिजनेस थी, चल रहा था, अब उसमें से कैटरीना रिटायर हो जाती है और वो खुद का बिजनेस चालू करना चाह रही है, तो हम उसको रोक सकते हैं कि देख बहन तू खुद का ये वाला बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं, अब तू फिर से बिजनेस चालू करेगी तो हमारे कस्टमर तो वहां डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हम चाहें तो उस व्यक्ति को भी रोक सकते हैं कि जब तू पार्टनरशिप छोड़ के जाएगी तो तू सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकती। ये भी वही है, स्पेसिफाइड पीरियड तक के और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स तक के, यहाँ पे भी क्योंकि कुछ टाइम तक ही रोका जा सकता है। फिर सिमिलर बिजनेस ऑन डिसोल्यूशन या इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन भी आप नहीं रोक सकते, आप नहीं कर सकते, रोक सकते हो। यानी जब डिसोल्यूशन हो रहा है या ऐसा अंदाज है कि यार डिसोल्यूशन हो जाएगा, हमारी फर्म टूट जाएगी, तो ऐसे केसेस में भी हम रोक सकते हैं दूसरे व्यक्ति को सिमिलर बिजनेस करने से विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एंड विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। और बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था गुडविल वाला, वैसे ही सेम यहाँ पे है। गुडविल ऑफ पार्टनरशिप अगर बेची जा रही है, जैसे कि तीन जन मिलके काम कर रहे थे, कैटरीना, दीपिका और मैं, हम तीन जन मिलके काम कर रहे थे, अब यहां पे हम तीनों ने ये बिजनेस को बेच दिया टू अनदर पर्सन, हमने अजय को बेच दिया, तो अजय ने पूरा बिजनेस विद नेम खरीद लिया, वो अब इस नाम से बिजनेस करेगा। नाउ अजय कैन रिस्ट्रेन ऑल द पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर को रोक सकता है कि तुम लोग अब ये काम, ये नाम यूज नहीं कर सकते। हम तीनों को रोका जा सकता है बाय द बायर, जैसा एक प्रोप्राइटरशिप का मैंने एग्जाम्पल दिया था, सेम चीज हो रही है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इन केसेस में भी आप रोक सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रकार के एक्सेप्शंस बताए गए हैं इन एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसमें भी आप रोक सकते हैं इन केसेस में, इस प्रकार के केसेस में। लीगल डिसीजंस, कुछ लीगल डिसीजंस के आधार पे भी आप रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस करने से, जिसमें पहली चीज है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब ट्रेडर्स लोग मिलके कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें वो लोग चाहते हैं कि हम आगे वालों को ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, हम बेनिफिट दे सकें, ताकि आगे वाले जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। सो ट्रेड कॉम्बिनेशन आर परफेक्टली वैलिड, जितने भी प्रकार के ट्रेड कॉम्बिनेशन होते हैं ये सब पूरी तरह से वैलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीए इंस्टीट्यूट भी एक प्रकार से रेगुलेशन लगाता है कि आप लोग जो भी काम करेंगे, आप अगर ऑडिट करोगे तो कम से कम इतना पैसा लेना है, अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो कम से कम इतना पैसा लेना है। सो ये क्या है, ये भी पूरी तरह से वैलिड ट्रेड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये जो पैसे की लिमिट लगाई जा रही है, मिनिमम इतनी फीस लो, ये इसलिए नहीं लगाई जा रही कि हम कस्टमर्स को लूटना चाहते हैं, ये इसीलिए लगाई जा रही है ताकि हम बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रॉपर पैसा मिलेगा तभी हम सर्विस दे पाएंगे, अगर हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो हम सर्विस ही नहीं दे पाएंगे। ये लिमिट्स क्यों लगाई जाती है, ताकि सर्विस इंप्रूव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 100-100 रुपए के बहुत सारे रिटर्न के काम ले लिया, अल्टीमेटली मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहा, कैसे भी काम करके खत्म कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही कई बार ट्रेडर्स एसोसिएशन होता है जो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जैसे कपड़ा व्यापारी हो गए, जिम ओनर्स एसोसिएशन हो गया, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं अपन एक ही जगह से बिजनेस करेंगे, जो भी पैसा आएगा एक जगह जोड़ेंगे और बाद में अपन इसको एक फिक्स रेट में बांट लेंगे। यहाँ पे भी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इज टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। एक क्लॉथ मार्केट बना लेंगे, वहीं पे हम सब लोग बिजनेस करेंगे,
ताकि जो भी व्यक्ति आए उसको आसानी से प्रोडक्ट्स मिल जाए। सो एक मार्केट बना के आपने वहां पे पूरा बिजनेस चालू कर दिया। तो ऐसे केसेस में ये मोनोपली क्रिएट करने के लिए नहीं किया गया है, यहाँ पे द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द कस्टमर्स, इट इज नॉट टू क्रिएट मोनोपली। अगर मोनोपली क्रिएट करना एम हो जाएगा तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, बट अगर मोनोपली क्रिएट करने के लिए ये नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ताकि हम बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ताकि हम बेटर तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज या रेगुलेट कर पाए, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं दीज ट्रेड कॉम्बिनेशन आर परफेक्टली वैलिड, इट विल नॉट बी वॉइड अनलेस इट क्रिएट्स मोनोपली। अगर मोनोपली क्रिएट करने लगेंगे तो इट विल बिकम वॉइड। फिर नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट, नेगेटिव स्टिपुलेशन का मतलब होता है जो चीज नहीं करने का वादा किया। तो कभी कभी हम लोग जब कोई जगह जॉब करने जाते हैं तो वहां पे ऐसा एग्रीमेंट होता है कि शर्मा जी आप जब तक हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो आप खुद का काम नहीं करोगे। जैसे कि समझो मैं अगर कहीं टीचिंग करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे हम एग्रीमेंट करते हैं कि शर्मा जी जब तक आप हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं आप कोई और क्लासेस में पढ़ाने नहीं जाएंगे या आप खुद की क्लासेस चालू नहीं करेंगे। दीज आर परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे मुझे जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक रोका जा रहा है तो दैट विल बी परफेक्टली वैलिड, क्योंकि ये इसलिए नहीं किया जा रहा ताकि मुझे रोका जाए, ये इसीलिए किया जा रहा ताकि मैं अच्छी सर्विस दूँ। अगर मुझे अलाउ किया जाएगा कि आप खुद की क्लास चला सकते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं अपनी क्लास पे ज्यादा ध्यान दूंगा और हो सकता है कि मैं यहाँ के बच्चों को उधर डाइवर्ट कर दूं। तो इसीलिए ऐसे केसेस में भी रोका जा सकता है जहां पे मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ, एक क्लास चला रहा हूँ जहां पे मेरा कॉम्पिटिंग बिजनेस हो रहा है, जहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी वही काम करते हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी सेम है, तो यहाँ पे मैं डाइवर्ट करूंगा। ऐसा डॉक्टर्स के साथ भी होता है, डॉक्टर्स को बोला जाता है अगर आप हमारे यहाँ नौकरी पे हैं तो आप खुद की प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते, दिस विल बी परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे रोकना इसलिए नहीं किया जा रहा है कि भाई हम किसी को काम नहीं करने देना चाहते, हम इसीलिए रोक रहे हैं ताकि वो कस्टमर्स को डाइवर्ट ना करे, नहीं तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में आएगा उसको बोलेगा भाई एक काम करना शाम को मेरे क्लिनिक पे आ जाना, तो यहाँ पे दिक्कत ये जाएगी कि जो व्यक्ति एक जगह काम करने एक जगह सर्विस लेने आया था हॉस्पिटल में उसको मैंने डाइवर्ट कर दिया कि मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आओ, तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और इसीलिए जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मुझे रोका जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एग्रीमेंट्स तब तक ही वैलिड है जब तक मैं काम पे हूँ, जब तक मैं जॉब पे हूँ। समझो मैं यहाँ पे जॉब पे लगा था और मैंने बोला था मैं 3 साल तक के लिए आपके यहाँ काम करूंगा, सो इस 3 साल तक के मुझे रोका जा सकता है। एक बार मेरा एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया तो इसके बाद मुझे नहीं रोका जा सकता, इसके पहले तक मुझे रोका जा सकता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है मैंने 3 साल का एग्रीमेंट किया था बट 1 साल में ही मैंने तोड़ दिया, तो क्या मुझे फिर भी यहां पे रोका जा सकता है? द आंसर इज यस, 3 साल तक मुझे रोका जा सकता है, ठीक है। सो जब तक हम जॉब पे हैं तब तक रोक सकते हैं, एक बार जॉब छोड़ दिया फिर नहीं रोका जा सकता। अगेन अगर जॉब छोड़ दिया बट पहले से एग्री किया था कि मैं 3 साल काम करूंगा तो फिर वहां पे रोका जा सकता है, ठीक है। देन सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट, सोल सेलिंग एजेंट का मतलब होता है जहां पे एक सिंगल सेलर है, एक अकेला व्यक्ति है जो गुड्स बेचने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट। जैसे कि ये कार वालों के साथ होता है, कार वालों को बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर बोलेगा, जैसे ह्यूंडई है तो ह्यूंडई बोलेगा कि शर्मा जी आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में डील करेंगे, आप दूसरे प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे। दीज टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट विल अगेन बी परफेक्टली वैलिड, इवन इफ यहाँ पे आप दूसरों को रोक रहे हैं कि आप दूसरे प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे, बट यहाँ इंटेंशन रोकने का नहीं है, इंटेंशन ये है कि कोई अगर ह्यूंडई का कार खरीदने आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं उसको मारुति में डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मारुति में ज्यादा मार्जिन बचती है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए ऐसे केसेस में भी रोका जा सकता है। सो इन सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट भी रोका जा सकता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी वैलिड होती है, सॉरी वॉइड होती है, कुछ केसेस में वैलिड होगी, इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे। तो द बेसिक रूल इज दीज आर वॉइड एब इनिशियो। सो अगर आप किसी व्यक्ति को कोर्ट जाने से रोकते हैं, इसमें 3 प्रकार के एग्रीमेंट्स कवर होते हैं, इसके आगे का ये जो पॉइंट है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा, फिर भी जहां जरूरी है उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी किसी को कानून की सहायता लेने से अगर रोक रहे हो आप तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि आपने सीधा सीधा बोल दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, विच रिमूव्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, विच आउस्ट द ज्यूरिसडिक्शन, आउस्ट का मतलब है रिमूव्स,
रिमूव्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन ट्राइंग द लीगल डिस्प्यूट, यानी अगर आपके और मेरे बीच में झगड़ा हुआ तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, किसी कोर्ट का अधिकार नहीं रहेगा अपनी केस पे, कोई कोर्ट इस पे डिसीजन नहीं दे सकता, ऐसा एग्रीमेंट अगर आपने किया है तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि आप न्यायपालिका के बीच में आ रहे हैं, आप किसी को न्याय पाने से रोक रहे हैं, सो ऐसे केसेस में इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। दूसरा एग्रीमेंट जो इसमें कवर होता है, तो पहला एग्रीमेंट कौन सा है, जहां पे आप सीधा सीधा कोर्ट जाने से ही रोक रहे हैं, कोर्ट का अधिकार ही खत्म कर दे रहे हैं, तो ये वॉइड रहेगा। दूसरा एग्रीमेंट जिसमें आप जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कट शॉर्ट कर रहे हैं, सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है समझो 3 साल का रहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया कि शर्मा जी आपको अगर मेरे खिलाफ कोर्ट जाना है तो आप सिर्फ 2 साल तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते, सो यू आर कटिंग शॉर्ट, यू आर कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो आप जब कर्टेल कर देते हैं मेरा लिमिटेशन पीरियड, 3 साल का समय मिलना चाहिए मुझे एज पर द लॉ, बट अगर आप उसको काट के 1 साल का कर देते हैं, 2 साल का कर देते हैं, लोअर पीरियड बताते हैं, सो ऐसे केसेस में दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, मुझे इसके बाद भी कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। फिर एग्रीमेंट्स जो किसी भी प्रकार से फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, वेव करते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं, समाप्त कर देते हैं द लीगल राइट इन इटसेल्फ इफ नो एक्शन इज कमेंस, यानी किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को खत्म कर दिया, तो 3 प्रकार के एग्रीमेंट, पहला जब आप कोर्ट जाने से सीधा सीधा मना कर देंगे दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, दूसरा कोर्ट जाने से तो मना नहीं कर रहे पर टाइम लिमिट कम कर दे रहे हैं दैट इज वॉइड एब इनिशियो, तीसरा किसी भी प्रकार से आप कानून की सहायता लेने से अगर मना कर रहे हैं सो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, सो 3 प्रकार के एग्रीमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो होते हैं। अब ध्यान रखो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, मीन्स इन केसेस में आप रोक सकते हैं, यहाँ पे इट विल नॉट बी वॉइड एब इनिशियो। जब आप कोर्ट के बदले आर्बिट्रेशन में जाने का बात करते हैं, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है, आर्बिट्रेशन का मतलब है जहां पे एक बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति बैठा होता है जो एज अ जज काम करता है, एज अ जज एक्ट करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्री करते हैं कि यार कोर्ट में बहुत खर्चा हो जाता है, तो अगर अपने बीच कोई झगड़ा होगा ना, डिस्प्यूट अराइज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग शर्मा जी के पास जाएंगे, हम लोग आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। सो आर्बिट्रेटर के पास जाने का क्या मतलब है, मीन्स आप कोर्ट नहीं जा रहे बट आपको न्याय तो मिल रहा है क्योंकि आप आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं और ही विल डिसाइड द केस, वो डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके हिसाब से आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड होते हैं, ये लोग प्रॉपर डिसीजन देते हैं वैसे ही जैसा एक जज देता है, सिर्फ फर्क ये है कि कोर्ट जाने को आपको बहुत सारे खर्चे लगते हैं, कोर्ट फीस लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, आपको स्टैम्प पेपर्स वगैरह खरीदना पड़ता है, उसके अलावा आपको जो वकील है उसकी फीस देना पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं इसमें, लेकिन वहीं पे अगर आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो आपको ये सब खर्चे नहीं लगते, तो आर्बिट्रेशन ये ऐसा नहीं है आपको न्याय पाने से रोक रहे, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी बता रहे हैं कि कोर्ट के बदले आर्बिट्रेशन चले जाओ, सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स विल बी परफेक्टली वैलिड, ठीक है, तो अगर आप कोर्ट ना जाने के बाद आर्बिट्रेशन जाने का क्लॉज डालते हैं कि कोर्ट नहीं जा सकते बट आर्बिट्रेशन जा सकते हैं, सो दैट विल बी परफेक्टली वैलिड, ठीक है, सो आर्बिट्रेशन वाले क्लॉजेस वैलिड रहेंगे। आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक ऐसा क्लॉज जो कि पुराने डिस्प्यूट के लिए दिया गया है, फॉर पास्ट डिस्प्यूट्स जो ऑलरेडी अराइज हो चुका है उसके लिए भी आर्बिट्रेशन क्लॉज रखा जा सकता है पास्ट डिस्प्यूट्स के लिए, प्रेजेंट डिस्प्यूट के लिए भी रख सकते हैं, करंट डिस्प्यूट अभी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं या हो रहे हैं उसके लिए हम आर्बिट्रेशन जाएंगे कोर्ट नहीं जाएंगे दैट विल ऑल्सो भी वैलिड, या फ्यूचर के लिए भी अभी से एग्री कर सकते हैं कि आगे चल के अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे बट आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इन एनी केस द एग्रीमेंट्स फॉर आर्बिट्रेशन शैल बी इन राइटिंग, ये लिखित रूप में होना चाहिए कि हम आर्बिट्रेशन जाएंगे कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है कौन कौन से एग्रीमेंट्स लिखित रूप में होना जरूरी है, उसमें आपको एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। फिर एग्रीमेंट्स विद अनसर्टन मीनिंग, अगर अनसर्टन मीनिंग है, इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं आता है, इसका मीनिंग वेग है, एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, तो ऐसे केसेस में दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, सो ऐसे एग्रीमेंट जिसका एक से ज्यादा मीनिंग निकलता है, जैसे कि आप जाते हैं कोई तेल खरीदने और जाके दुकान में बोलते हैं भैया 1 किलो तेल भिजा दो घर पे, अब यहाँ पे आपने कौन सा तेल कब भिजाना है कुछ भी एग्री नहीं किया, तो जब तक के तेल डिसाइड नहीं होगा तो वो क्या भेजेगा बेचारा, तो ऐसे केसेस में अगेन इट विल बी वॉइड एब इनिशियो बिकॉज इट इज अनसर्टन, तेल का मीनिंग ही नहीं पता है, तेल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो इसीलिए कौन सा तेल कौन सा ऑयल बोला है ये नहीं पता लग सकता, तो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, बट अगर इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ये है तो अनसर्टन पर इसको सर्टन बनाया जा सकता है, इसको ऐसा बनाया जा सकता है जो
मीनिंग निकाला जा सके। जैसे समझो आप जाते हैं तेल खरीदने, और जो तेल वेंडर है वो सिर्फ एक ही तेल बेचता है, राई का तेल, एक ही प्रकार का तेल बेचता है वो, उसमें कोई अलग प्रकार नहीं, सिर्फ राई का तेल बेचता है। अब आपने बोला कि भैया 1 किलो तेल भेजा दो, अब दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भले आपने कौन सा तेल ये बोला नहीं, बट आपको भी पता है और उसको भी पता है कि वो सिर्फ एक ही तेल में डील करता है। सो ऐसे केसेस में इट विल बी परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको सवाल आ रहा होगा, सर लेकिन इसमें प्राइस डिसाइड नहीं हुआ ना। तो जब ऐसे केसेस में प्राइस डिसाइड नहीं होता है तो मार्केट प्राइस पे डीलिंग होती है, जो मार्केट में उस वक्त प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे डीलिंग होगी, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो भी चलता है, तो ऐसे केसेस में इट विल बी अ मार्केट प्राइस। हम देखेंगे अगले के अगले चैप्टर में कि मार्केट प्राइस क्या होता है और प्राइस वगैरह का कैसे डिटर्मिनेशन होता है, तो ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें एक पार्टी का जीतना तय होता है और दूसरे का हारना तय होता है। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं जुआ या सट्टा लगाना। तो सट्टा लगाने वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि समझो आपने एग्रीमेंट किया मेरे साथ कि सर आज बारिश आएगी, मैं बोलता हूं नहीं आएगी, आप बोलते हैं आएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली बोला है, आप बोल रहे हैं कि बारिश आएगी, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगी। मैंने बोला लगी शर्त, आप बोलते हैं सर लग गई, 10-10 हज़ार की शर्त लगा ली है। अगर बारिश आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं आई तो आप मुझे पैसे देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बारिश आ जाती है तो, अगर बारिश आ जाती है और अगर बारिश नहीं आती है, धूप खिली है, तो बारिश आ जाती है और बारिश नहीं आती है। अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? बारिश आ गई तो आप जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा, और बारिश नहीं आई तो आप हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगा। यानी अल्टीमेटली देखो, एक पार्टी का हारना तय है, एक पार्टी का नुकसान होना तय है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता कि एक का नुकसान होना तय है। कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें एक का फायदा तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे एक को कुछ मिल रहा है, दूसरे का कुछ जा रहा है, और ये जरूर होगा, एक व्यक्ति हारेगा जरूर। और इसीलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट्स में रखा है, बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी इज बाउंड टू विन एंड द अदर पार्टी इज बाउंड टू लूज। एक का जीतना तय, दूसरे का हारना तय, और इसीलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट बोला गया है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना के ऊपर सट्टा लगा रहा है, एक ऐसी घटना के ऊपर पैसे देने या लेने की बात हो रही है, तो सिर्फ एक घटना के ऊपर। अगर वो घटना घट गई तो पैसे मिलेंगे, नहीं घटी तो देने पड़ेंगे, एज द केस में भी। सो ऐसे केसेस में ये जो घटना है, घटना होनी चाहिए फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, फ्यूचर का इवेंट है, अभी से आपको नहीं पता है। अगर अभी से पता है क्या होने वाला है तो फिर वो वेजरिंग नहीं रहा, वो तो पहले से पता है, सर्टन है। सो अनसर्टन इवेंट पे पैसा लगाते हो आप, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, जो आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो अगर ऐसे कोई इवेंट पे आपने पैसा लगाया है जिसका होना नहीं होना तय नहीं है, अगर वो हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो आपके पैसे चले जाएंगे। सो दिस विल बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। सो वेजरिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी का जीतना तय होता है, दूसरे पार्टी का हारना तय होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वही पॉइंट एक एक करके बताए गए हैं। पहली चीज है कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस इज ओनली टू पे और गेट मनी। यहाँ पे सिर्फ पैसा देने या लेने की बात है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करना है, कोई गुड्स नहीं देना है, सिर्फ पैसा देना या पैसा लेना है, ठीक है। ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। तो वही बोला है, पहले तो पैसा देने या लेने की बात है किसी एक इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर। इवेंट जो है इट शुड बी फ्यूचर एंड अनसर्टन। अगर ऑलरेडी हो चुका है, हाईलाइट है, तो हाईलाइट पे आप सट्टा लगाते क्या? तो नहीं, हाईलाइट्स पे सट्टा नहीं लगाया जा सकता, जो होने की ये चीज उसी पे लगाया जा सकता है। देन द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज वन पार्टी इज टू विन एंड द अदर टू लूज। एक जीतेगा ये तय है, दूसरा हारेगा ये तय है। इन वेजरिंग एग्रीमेंट नो पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है इवेंट के ऊपर। एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर वैलिड बट टू पे अ प्राइस डिफरेंस इन अ वेजरिंग ट्रांजेक्शन इज वॉइड। एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझो ये पेन है मेरे पास, ये पेन की कीमत है समझो 1,000 रुपए। मैं आपको बोलता हूं आज से 1 महीने बाद इसकी वैल्यू अगर 800 हो जाएगी तो आप मुझे 200 रुपये देना, और अगर 1,000 हो जाएगी तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ पैसा देने लेने की बात कर रहे हैं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। समझो सेम एग्रीमेंट, मैं बोलता हूँ ये पेन की आज कीमत है 1,000 रुपये,
एक महीने बाद अगर 800 रुपये हो जाएगी तो आप मुझे 800 रुपये देना और ये पेन ले लेना। अगर 1200 रुपये हो जाएगी तो आप 1200 रुपये देना और पेन ले लेना। सो ऐसे केसेस में ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखो, कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर वैलिड बट टू पे प्राइस डिफरेंस इन अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। फिर से बता रहा हूं, ये पेन है, पेन की वैल्यू आज है 1000 रुपये। आज से एक महीने बाद इसका जो भाव रहेगा उस भाव में हम ट्रेड करेंगे। एक महीने बाद अगर 800 रुपये हो जाएगा तो आप मुझे 800 रुपये देंगे और मैं आपको पेन दे दूंगा। अगर 1200 हो जाएगा तो आप 1200 रुपये देंगे और मैं आपको पेन दूंगा। दिस इज परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कि कल चल के इसका प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है, बट इट इज परफेक्टली वैलिड एग्रीमेंट बिकॉज यहाँ पे द इंटेंशन इज टू डिलीवर द गुड्स। मैं आपको गुड्स देना चाह रहा हूँ, आप गुड्स लेना चाह रहे हैं, इट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ प्राइस डिफरेंस सेटल कर लें। बट अगर इसी ट्रांजेक्शन में, सेम ट्रांजेक्शन में मैं आपको बोलता हूँ आज इसकी वैल्यू 1000 रुपये है, आज से एक महीने बाद अगर 800 हो जाएगी तो आप मुझे 200 रुपये दे देना और 1000 हो जाएगी तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। इसमें हम पेन नहीं दे रहे, सिर्फ 200 रुपये प्राइस डिफरेंस को सेटल कर रहे हैं। आज 1000 है, 800 या 1200 जो भी होगा, 1100 होगी तो 100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट जहां पे इंटेंशन इज नॉट टू डिलीवर द गुड्स, सिर्फ प्राइस डिफरेंस आप सेटल कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सट्टा लगा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इट विल बी अवॉइड एग्रीमेंट। तो ये बोल रहा है लास्ट पॉइंट। कुछ एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन का मतलब है कब कब एग्रीमेंट जो होते हैं ये वेजरिंग में नहीं कवर होंगे। पहला है शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन वेजरिंग नहीं होते हैं क्योंकि उसमें इंटेंशन इज टू गिव और टेक द डिलीवरी ऑफ शेयर। जैसा मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया कि पेन देंगे पैसा लेंगे, वैसे ही शेयर में होता है। भले ही शेयर में भी कल चल के प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे इंटेंशन इज टू डिलीवर द गुड्स दैट इज शेयर्स, एंड हेंस इट इज परफेक्टली वैलिड। फिर गेम ऑफ स्किल्स। गेम ऑफ स्किल्स क्या होते हैं, क्या गेम ऑफ स्किल्स वैलिड होते हैं या अवॉइड होते हैं? द आंसर इज गेम ऑफ स्किल्स वैलिड होते हैं। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति है पूरी तरह से वैलिड है बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। एक एथलेटिक कॉम्पिटिशन है, दैट इज अ गेम ऑफ स्किल, जिसमें आप अगर स्किल्स यूज करोगे तभी आप जीत सकते हैं। ये गेम ऑफ चांस नहीं है, किस्मत का खेल नहीं है। अगर ये गेम ऑफ चांस होगा तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, लॉटरी जो है इट इज ओनली अ गेम ऑफ चांस, इसमें गेम ऑफ स्किल नहीं होता, तो इसीलिए लॉटरी जो होता है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। क्रॉसवर्ड पजल्स क्या होते हैं? क्रॉसवर्ड पजल्स दो प्रकार के होते हैं। एक क्रॉसवर्ड पजल जिसमें आपने जो सॉल्यूशन दिया, जिस जिसने सॉल्यूशन दिया सबको इनाम मिलेगा, सो दैट इज अ गेम ऑफ स्किल। दूसरा होगा जिस जिसने सॉल्यूशन प्रॉपर दिया उसको सबको इनाम नहीं मिलेगा, उसमें से हम चिट निकालेंगे और एक को इनाम मिलेगा, दिस इज अ गेम ऑफ चांस, और ये वेजरिंग हो जाएगा। ठीक है, स्किल्स तो है बट अल्टीमेटली चांस का ज्यादा बड़ा खेल है यार, सो इट विल बी वेजरिंग। इसमें फिर एक केस हुआ था आरएमडी चमार बंगवाला वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें बताया गया था अगर गेम ऑफ चांस भी है, जैसे कि ये मैंने जो क्रॉसवर्ड पजल का एग्जाम्पल बताया, और इसमें अगर 1000 रुपये तक का प्राइस मनी है सो दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। 1000 के ऊपर जाएगा तो फिर हम उसको वेजरिंग मानेंगे। ठीक है, सिर्फ किस चीज के लिए? सिर्फ प्राइस कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, फिर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन एक रखा गया है जिसमें हॉर्स रेस पे अगर आप पैसा लगाते हैं और 500 रुपये या उसके ऊपर का सट्टा है तो दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। तो ये कानून में लिखा हुआ है कि ऐसा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। सेक्शन नंबर 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि अगर आप हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं तो दैट इज परफेक्टली वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी पूरी तरह से वैलिड होते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में आपको अपने कार की बड़ी फिक्र है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कार लेके जा रहे हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि हमको इसका इंश्योरेंस कर दो, अगर कल चल के कार डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो तुम हमको क्लेम दोगे, पैसा दोगे। और यहां पे हम इसके बदले कुछ प्रीमियम पे करते हैं। सो दिस इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी नहीं होता, इसके अलावा जितने भी जनरल इंश्योरेंस है ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। ठीक है, सो ये नुकसान की भरपाई करने वाले कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मेरे कार को नुकसान हो गया तो मुझे भरपाई मिलेगी। ध्यान रखो लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं होता इंडेमनिटी, क्योंकि जब किसी की लाइफ जाती है तो उसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक एक करके हम इसके डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। और चिट फंड, चिट फंड यानी क्या? तो चिट फंड में सब लोग जो मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं,
उसमें से चिट निकाली जाती है, जिसकी चिट निकलती है उसको पूरा पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बचत गट का काम करता है। जैसे आपने बीसी देखा होगा, आपके कॉलोनी में चलती है, जिसमें सब लोग महिलाएं मिलती है, हजार हजार रुपए डालती है, टोटल 10,000 रुपए बन जाता है, चिट निकालते हैं, जिसका नाम आया उसको पूरा 10,000 रुपए दे दिया जाता है। तो ये जो है ये चिट फंड है, ठीक है, बड़े पैमाने पे ये चिट फंड के जैसा काम कर रहा है। सो दिस इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वॉइड या वेजरिंग नहीं होते। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट्स के डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग पहला पॉइंट जब भी देखते हैं हम डिफरेंस का, दैट विल ऑलवेज बी मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वेजरिंग एग्रीमेंट्स में इट इज अ प्रॉमिस टू पे और गेट मनी ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। पहला पॉइंट है सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रहता है इसमें, हमेशा एक प्रीमियम देना पड़ता है, बट वेजरिंग में ऐसा नहीं होता है। वेजरिंग में कोई एक व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है, देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप कभी भी उस चीज का इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सो देयर इज ऑलवेज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपका अधिकार है उस कार पे, तभी आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें इंश्योरेंस करा रहे हैं। बट इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, ये तो सीधा सीधा गैम्बलिंग नेचर का होता है, इट इज बेटिंग ऑन द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। तो आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, बट यहाँ पे हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। यानी मुझे फर्क पड़ता है कि अगर मेरी कार को डिस्ट्रक्शन होगा तो मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने इंश्योरेंस कराया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी नुकसान की भरपाई करने के लिए बनाए गए हैं। इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। बट वेजरिंग जो है, इसमें तो सीधा सीधा पैसा देना या लेने की बात हो रही, कोई नुकसान की बात नहीं, कोई भरपाई की बात नहीं। एनफोर्सेबिलिटी, इट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल, इट इज वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। प्रीमियम, इसमें इंश्योरेंस में प्रीमियम कैलकुलेट होता है, उतना पे करना पड़ता है। प्रीमियम का पूरा परफेक्टली वैलिड कैलकुलेशन होता है, ऐसे नहीं कि अंदाज से कुछ बता दिया, एक कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से निकलता है, इतनी पॉलिसी है तो इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। और वेजरिंग में कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होता, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1,000 का सट्टा लगाओगे, 10,000 का लगाओगे, लाख का लगाओगे, 10 लाख का लगाओगे या 1 करोड़ का लगाओगे। पब्लिक वेलफेयर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स पब्लिक के खिलाफ है, पब्लिक के हित के खिलाफ निकलते हैं ये। इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट, आज थोड़ा, आज भी 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा, 10 मिनट सुन लो। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट्स, अगर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात की बात हो रही है, सो इट विल बी void and illegal, but other states other than Maharashtra and Gujarat mein it will be void only but not illegal, illegal nahi hota। Isi ka matlab hai ki bahar mein wo illegal nahi hai, Maharashtra ke bahar, so ye valid hai, iska collateral jo hai ye valid rahega, theek hai, ye void zarur hai। कोलेटरल का क्या मतलब है? मींस एक व्यक्ति ने वेजरिंग किया लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो वो मेरे पास आता है पैसा ले जाने, मैं उसको लोन दे देता हूं। सो ये जो कोलेटरल है, इस पर क्या होगा? यहां पे जैसा कि मैंने बताया, मेन एग्रीमेंट वॉइड है बट ये इल्लीगल नहीं है, सो कोलेटरल विल बी परफेक्टली वैलिड, क्योंकि कोलेटरल टू अवॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट इलीगल इज परफेक्टली वैलिड, ठीक है। तो कोलेटरल ट्रांजेक्शंस वैलिड रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो कोलेटरल ट्रांजेक्शंस मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था यहाँ पे, लेकिन अगर इलीगल है, वॉइड भी है और इलीगल भी है, तो ऐसे केसेस में यही चीज अगर महाराष्ट्र में होती है या गुजरात में होती है, आपने वेजरिंग एग्रीमेंट किया तो ये वॉइड है और ऑल्सो इलीगल है। और कोलेटरल ट्रांजेक्शन यानी जो साथ साथ चलने वाले ट्रांजेक्शन है, मैंने लोन दिया था आपको उस चक्कर में, यहां पे मैं भी इलीगल काम को बढ़ावा दे रहा हूं, एंड हेंस इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इलीगल एंड हेंस वॉइड, ठीक है। तो यहां ध्यान रखो, यहां ये वैलिड है, यहां पे बट ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सो कोलेटरल ट्रांजेक्शन पे फर्क पड़ता है। अब एग्जाम में क्या लिखोगे आप? एग्जाम में अगर आपको पूछा कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है या वैलिड है, आप लिखोगे
वॉइड है। इलीगल है क्या? तो नहीं, आप लिखोगे इलीगल नहीं है। इलीगल क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में है, और आप जो एग्जाम दे रहे हैं पूरे देश भर की है, नेशनल लेवल की एग्जाम है। सो आपको लिखना है इट इज ओनली वॉइड बट इट इज नॉट इलीगल। ठीक है, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात क्या ये वॉइड और इलीगल दोनों है, तो आंसर इज यस। बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर, आप बोलोगे वॉइड बट दे आर नॉट इलीगल। ठीक है, लॉटरी का एग्जाम्पल, लॉटरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, लॉटरी जो है इलीगल है। सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पिनल कोड बताता है कि लॉटरी ट्रांजेक्शन वैसे इलीगल है, लेकिन ये वेजरिंग भी है, इलीगल भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉटरी ट्रांजेक्शन चलते हैं, या तो गवर्नमेंट खुद चलाती है या गवर्नमेंट की परमिशन से अगर चलाई जा रही है, सो लॉटरी विल बी परफेक्टली वैलिड। सो जितने भी लॉटरी चलती है ये सब कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। तो जनरल रूल इज लॉटरी आर वॉइड एब इनिशियो, इनफैक्ट इट इज इलीगल, सीधा सीधा इलीगल है लॉटरी चलाना। बट इफ इट इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट देन इट इज परफेक्टली वैलिड, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस पे करना पड़ेगा आपको जो भी उस पे लगते हैं। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया वो आपको, ये पेन का एग्जाम्पल। अगर मैं ये पेन बेचना चाहता हूं, पर अपन एक महीने बाद के भाव की बात कर रहे हैं, आज इसका 1,000 रुपये वैल्यू है, एक महीने बाद अगर 1,100 हो जाएगी तो 1,100 में बेचूंगा, और 900 हो जाएगी तो 900 में बेचूंगा। दिस इज अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट वेजरिंग, इट इज परफेक्टली वैलिड ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव का मतलब है जहां पे हम अंदाज लगा रहे हैं आगे का, ये भी एक प्रकार से सट्टे की नेचर का है, बट यहाँ पे इंटेंशन इज टू गिव दी डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसा कि शेयर ट्रांजेक्शन, ये स्पेक्युलेटिव नेचर के होते हैं जहां पे इंटेंशन इज टू डिलीवर दी गुड्स। तो दो खास बातें होती है एक स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में जो इसको वेजरिंग से अलग करती है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में देर इज अ म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू अक्वायर और डिलीवर एज द केस में बी द कमोडिटीज, तो गुड्स देने और लेने की बात होती है। एंड देर इज एन अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्राइस, इसमें बताया जाता है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड वाले भी इसीलिए नोटिफिकेशन देते हैं, एक डिस्क्लेमर देते हैं नीचे में, जिसमें लिखा होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो ये देना कंपलसरी है क्योंकि देयर शुड बी एन अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क, तो रिस्क है ये बताना पड़ता है। वेजरिंग में भी रिस्क है, बट देयर इज नो नीड टू टेल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क, इंटेंशन वहां पे रिस्क है, अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क नहीं होती, सिर्फ वहां पे पोस्टुलेट्स ऑफ रिस्क होता है, यानी वहां बताया जाता है देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, यानी वहां पे होता है बट बताया नहीं जाता। अंडरटेकिंग का मतलब है बताना कंपलसरी होता है कि देखो भाई रिस्क है इसमें। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रेस्टिट्यूशन का मतलब है चीजें वापस कर देना, ये बेसिक रूल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, मैं आपको पूरा रीड करके नहीं बता रहा, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था रेस्टिट्यूशन कब होता है कब नहीं होता है, तो टाइप ऑफ एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वॉइड एग्रीमेंट है सो वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता, ये कब की बात हो रही, जब नोन टू बी वॉइड है। दूसरा एग्रीमेंट भी हो सकता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा, वैसे ही अगर वॉइड एग्रीमेंट है सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है सो यहां पे भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, वॉइड एग्रीमेंट्स नोन टू बी वॉइड को छोड़ के बाकी सब केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, यहाँ पे फिर से एक बार दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये फिर से रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है, सो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये देख चुके हैं। सो यहाँ पे अपन अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब आपको कोई भी डाउट्स होंगे अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पूरे चैप्टर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी एक दिन में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा चैप्टर है, वो आपका एक दिन का चैप्टर है, तो एक दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, कोई अभी डाउट्स होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और ऐसे डाउट्स मैं एंटरटेन करूंगा जो एक्चुअल में डाउट के नेचर के हैं, जो इससे रिलेटेड है, और कुछ ऐसे बड़े डाउट होंगे तो मैंने उसके लिए आपको बता के रखा हूँ, आपके पास पूरे वीडियोस का एक ऑप्शन है, यू कैन वॉच दी फुल वीडियोस, और उससे आपके जो डाउट्स है वो पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पूरा का पूरा कंसेप्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन दी ओल्ड वीडियोस जो आपको अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बैकअप। हाँ, किसी को क्वेश्चन है? तुषार कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ सब आता है उसमें, वो भी कवर होता है कि अगर किसी
विमेन वगैरह के ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं, घर पे ही बांध के रख दिए, घर पे ही रह रहे हैं चार दीवारों के अंदर, वो भी गलत है, ठीक है, वो भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। एक और क्वेश्चन आया, एनसीएलटी भी आर्बिट्रेशन है क्या? नहीं, एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, वो आर्बिट्रेशन नहीं होता, एनसीएलटी अलग है। हाँ इलीगल नहीं होता, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी होता है। हाँ अनलॉफुल इलीगल में बोल सकते हैं, बट इलीगल यानी उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, तो कानून के हिसाब से देखो तो उस पे कोई कानून नहीं है, बट वो कोर्ट ने बोला है। वहां ये नहीं लिखा है एग्रीमेंट, वहां पे बोला है कि अगर आप आपस में ऐसा समझौता करते हैं सो दैट विल बी वैलिड, बट उससे बचने के भी तरीके हैं, तो खैर उसके बारे में अपन ऑक्शन सेल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है आगे का, बट बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में ऐसे हैं जिनको नहीं पता है आगे क्या आने वाला है, तो उस पे अपन जब आगे आएगा वो, उस टाइम आप याद दिलाना, उस टाइम आप ये क्वेश्चंस पूछ लेना। हाँ एक क्वेश्चन और है, इफ अ फैमिली डू नॉट वॉन्ट देयर चाइल्ड एंड गिव इट टू अदर्स देन इट इज रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, यस ये भी गलत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ड्रीम इलेवन ऐप गेम ऑफ स्किल्स है क्या? सो अब उसको अथॉरिटी विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलाया जा रहा है इसीलिए वो चल रहा है, नहीं तो वो भी सीधा सीधा वो सट्टाबाजारी है, वेजरिंग है वो, ठीक है, गेम ऑफ स्किल नहीं है वो, उसको वैसा पोर्ट्रे किया जाता है कि स्किल्स है आप में तो आप जीतो, तो वो गलत है, लेकिन तो बट फिर भी वो गेम ऑफ स्किल बोल के चलाया जा रहा है। चलो तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, चलिए, थैंक यू।